फ्रेंड्स, अभी मानसून का सीज़न जा रहा है और विंटर सीज़न आ रहा है, तो इस समय आप कई सारे पौधे लगा सकते हैं। चाहे आप फूलों वाले प्लांट लगाएं, चाहे इंडोर प्लांट्स लाएं, बहुत आसानी से इस समय लग जाते हैं, और चाहे कटिंग से लगाएं। फ्रेंड, मैं नर्सरी गई थी तो देखिए कुछ प्लांट्स मैं लाई हूँ। देखिए ये बोस्टन फर्न है, अभी बहुत छोटा सा प्लांट है। फ्रेंड, मैं इसको, बारिश हो रही थी तो इसलिए मैंने रिपोर्ट कर दिया तुरंत ही। तो देखिए फ्रेंड, छोटा सा प्लांट है, ये बहुत आसानी से कई सारे प्लांट बना लेता है। जब ये घना हो जाए तो इसको कई सारे प्लांट आप डिवाइड करके बना सकते हैं, और बहुत आसानी से आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा। तो देखिए, सारे प्लांट मैं मिट्टी के गमलों में ही ज़्यादातर लगाई हूँ, क्योंकि ये पानी ज़्यादा होल्ड नहीं करते हैं मिट्टी के गमले। तो देखिए, इसको मैंने मिट्टी के गमले में लगाया है, और अभी ये प्लांट मेरे गार्डन में नहीं था। तो फ्रेंड, मैं इसको लाई हूँ, बहुत ही अच्छा हवा को शुद्ध करने वाला प्लांट है, बहुत आसानी से आपके गार्डन में चलेगा, और बहुत हार्डी प्लांट है, और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। इसकी कई वेराइटियाँ और भी आती हैं, चाहे तो उसको भी आप ले आके लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, बहुत अच्छा सीज़न है इस समय प्लांट्स लाने का, अपने गार्डन में ऐड करने का। तो जब इसकी मिट्टी सूख जाए तो आप इसको पानी दें, बहुत आसानी से आपके गार्डन में चलेगा। और फ्रेंड, दूसरा प्लांट मैं ये लाई हूँ, ये देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी प्यारी और कलरफुल हैं। तो नर्सरी वाले ने इसका नाम कुछ बताया था, कॉस्टस जिंजर ऐसे ही कुछ बताया था। फ्रेंड, बहुत ही अच्छा प्लांट मुझे लगा। तो फ्रेंड, इसको भी मैं लाई हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसको भी मिट्टी के गमले में लगाया है, और ये कटिंग से आसानी से चल जाता है फ्रेंड, और पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं। ये कलरफुल प्लांट्स का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो फ्रेंड, इसको भी बहुत कम पानी देना होता है फ्रेंड। अभी फ्रेंड काफ़ी अच्छी ठंडक, और ज़्यादा ठंडक भी नहीं है और गर्म भी नहीं है, तो बहुत आसानी से ये गार्डन में चल जाएगा। और मैं तीसरा प्लांट ये अरेलिया का ले आई हूँ, वेरीकेटेड अरेलिया का प्लांट है। फ्रेंड, ये सब मुझे 100 रुपीज़ में एक एक प्लांट मिला है। ये भी फ्रेंड ब्राइट लाइट में और बालकनी गार्डनिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है, और कटिंग से आसानी से काफ़ी सारे प्लांट बन जाते हैं। फ्रेंड, अभी तो मैं छोटा सा लाई हूँ, इसको भी मैंने मिट्टी के ही गमले में लगाया है, और अभी धीरे धीरे ये ग्रोथ करेगा, और कई सारे मैं कटिंग से इसको बढ़ा लूँगी। फ्रेंड, पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं, देखिए वेरीकेटेड हैं। और फ्रेंड, इसके हरी वाली वैरायटी भी आती है, और थोड़ा बड़े किस्म की भी आती हैं। ये मेरी छोटी वाली वैरायटी है अरेलिया की। तो फ्रेंड, मैं ये तीसरा प्लांट ये लाई हूँ। और फ्रेंड, ये है नियॉन पोथोस, ये भी बहुत ही अच्छा कलर ऐड करता है गार्डन में। देखिए पत्तियाँ कितनी अच्छी हल्के धानी रंग की हैं, जो कि बहुत सारी जब घना हो जाता है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको भी मैंने मिट्टी के ही गमले में लगाया है, क्योंकि इन सबको पानी बहुत कम चाहिए, और इसको ब्राइट लाइट चाहिए, 1 आध घंटे की धूप चाहिए, जैसे मनी प्लांट की केयर होती है, सेम ऐसी केयर ये नियॉन पोथोस की भी होती है। फ्रेंड, ये जब घना हो जाएगा तो इसको मैं कई गमलों में बढ़ा लूँगी, बहुत ही प्यारा कलर है। और फ्रेंड, ये पांचवा प्लांट मैं नर्सरी से लाई हूँ, ये है फिलोडेंड्रॉन का, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है इसकी। इसकी पत्तियाँ आगे आगे जो नई निकलती हैं वो कलरफुल होती जाती हैं। ये बहुत ही अच्छा फोलियज प्लांट है, इसको सहारे की ज़रूरत रहती है, तो आप कोई मॉस स्टिक लगाइए तो बहुत अच्छे से ये चलता है।
तो फ्रेंड अभी तो बहुत छोटा है, मैं इसमें मॉस स्टिक लगाऊंगी। और फ्रेंड अगर कोई दीवार हो तो प्लेन दीवार पे भी ये चढ़ के बहुत अच्छा फोलियस ऐड करता है, तो इसको भी आप अगर नर्सरी जा रहे हैं तो ज़रूर लाइएगा। इसको भी मैंने मिट्टी के गमले में लगाया है, इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, अभी तो ये प्लांट छोटा है। कटिंग से आप कहीं भी दीवार के किनारे लगा दें तो बहुत ही अच्छा ये दीवार पे चढ़ के कलर ऐड करता है और बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं, जो कि आपके गार्डन में बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी ऐड करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।